मैं बताने जा रहा हूँ ये डीजल टैंक की जाली है, जो कि डीजल टैंक के अंदर जो भी कचरा है वो जाने से रोकती है, जिससे आपका जो लाइनिंग है डीजल वाली जो लाइन है उसमें कचरा कभी फंसता नहीं है और डीजल की जो सप्लाई रहती है वो साफ़ सुथरी रहती है ना। जो भी कचरा है इस जाली पर ही, कभी कभी क्या है कि डब्बे से डालते हैं, कैन से डालते हैं, या नोज़ल में कभी कभी कचरा आ जाता है जो कि इसके अंदर हम इसके अंदर होते हुए जाएगा ना तो वो साफ़ रहेगा, कचरा यहाँ पे इधर स्टोर हो जाता है, नीचे नहीं जाता है। ये डीजल टैंक की जाली है। चोरी भी डीजल यहीं से होता है। मेरे जैसे ही बंधु विशेषकर ध्यान दें, है ना, ये 13 नंबर का जो बोल्ट है पाना से खोलकर यहाँ से भी डायरेक्ट डीजल निकाला जा सकता है। ये देखिए ये जाली है, ये जो अभी है ना ख़राब हो चुकी है, जिससे इसका जो स्टोर कचरा है वो सीधा टैंक के अंदर चला गया है, जिसकी वजह से ये जो लाइन है डीजल वाली लाइन, पंप में जो डीजल सप्लाई होता है वाटर सेपरेटर पे सीधा कचरा आता है, दिक्कत होती है। इसलिए विशेष ध्यान दें कि जाली हमेशा सही रहे। ये देखिए ये फट चुकी है, इसको चेंज करके मैं नया जाली डाल रहा हूँ। अगेन इसको वैसे ही 13 नंबर बोल्ट को कस देते हैं। बहुत ईजी है जाली चेंज करना।